पूरा देश अभी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन मोड में है। पूरे देश के लोग अभी वायरस की वजह से घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। दूसरी तरफ कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से एक अपील की है और लोगों को कहा है कि एक साथ 5 अप्रैल को रात 9 बजे अपने घर की बत्ती और लाइट्स को बंद करें और उसके बदले मोमबत्ती या दीप, टॉर्च या मोबाइल फ्लैश जलाएं। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों से जो अपील की है उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि एक साथ अगर पूरे देश में लोग बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका असर पावर ग्रिड पर पड़ेगा। एक साथ बिजली बंद होने से खतरा बढ़ेगा। एक साथ लाइट बंद होने से ग्रिड पर दबाव कम होगा। ऐसे में पावर ग्रिड के फेल होने का खतरा रहेगा। एक साथ बिजली बंद होने से क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद से यह भी दावा किया जा रहा है कि ग्रिड प्रबंधक भी इसे लेकर प्लान कर रहे हैं ताकि जिस वक्त लोग घरों की बिजली को बंद कर देंगे उस वक्त ग्रिड स्थिरता कैसे होगी। यह भी कहा जा रहा है कि राज्य संचालित पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन भी इस काम में जुट गया है। ये भी सच है कि लॉकडाउन की वजह से अभी वैसे ही बिजली की मांग काफी कम हो गई है। ये भी बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच बिजली की मांग में 25% से अधिक की गिरावट आई है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक सामान्य रूप से एक ग्रिड को 49.95 से 50.05 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बैंड की आवश्यकता है। अचानक वृद्धि या कमी आने पर दिक्कत बढ़ जाती है। अचानक ऐसा होने पर ग्रिड फेल होने का खतरा भी रहता है। ये भी एक कारण है कि जब कुछ मिनट के लिए पूरे देश में ब्लैकआउट होगा तो इससे टेंशन की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से इसे लेकर प्लानिंग की बात कही जा रही है उससे चिंता जैसी कोई बात नहीं रहेगी। इसके लिए जरूरी है कि पहले इसे जानना चाहिए कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। ग्रिड को अगर झटका लग जाए या कभी कभी लोड एकदम कम हो जाए उससे ग्रिड फेल होने के चांसेस होते हैं। कहीं ग्रिड ना फेल हो जाए इसके लिए अपने पंखों को 8:50 से 9:10 तक ऑन रखें, इससे ग्रिड को स्टेबिलिटी मिलेगी और फेलियर के चांसेस नहीं रहेंगे। बताया जा रहा है कि ये सुनिश्चित करना होता है कि पावर ग्रिड लाइनों में चलने वाली बिजली की आवृत्ति 48.5 से लेकर 51.5 हर्ट्ज के बीच होनी चाहिए। अगर ये बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाए तो लाइनें कट सकती हैं, जिससे देश भर में बिजली संकट मंडरा सकता है। हालांकि इसके लिए तैयारी पूरी बताई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 तारीख को 9 मिनट के लिए बत्ती ऑफ करने के लिए कहा है। हमारे पावर इंजीनियर्स जो कि लोड डिस्पैच सेंटर्स पे, सब स्टेशन्स पे, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर पे पूरे इस मामले में तैयार होंगे और उनकी प्लानिंग हो चुकी है। इससे पहले साल 2012 में दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैकआउट
पूरी तरह से निराधार हैं।